सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर फैसला नहीं देने के लिए जाना जाता है अस्सी हजार केसेस पेंडिंग है लेकिन कभी कभार वंस इन ए ब्लू मून जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट फैसले देता है और उसके कुछ फैसले बेहद ऐतिहासिक और महत्व के होते हैं बिल्कीस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो इन्ही अच्छे और ऐतिहासिक फैसलों में इसको गिना जाना चाहिए क्योंकि ये फैसला भारतीय लोकतंत्र का सम्मान बढ़ाता है भारतीय न्याय व्यवस्था में लोगों का विश्वास फिर से मजबूत करता है ये सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है उसकी न्याय की लड़ाई नहीं है उसके बियॉन्ड है उसके परे है उसके बाद आगे जाती है कहानी सब लोग लगभग जानते हैं मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा लेकिन मोटे तौर पर आप लोगों को मालूम है कुल मिलाकर यह एक महिला की न्याय पाने की बेहद लंबी लड़ाई लगभग इक्कीस साल लंबी लड़ाई के बाद मामला यहाँ पर पहुंचा है भारत में न्याय व्यवस्था कितनी सुस्त है आप जानते हैं ये फैसला इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय सिद्धांत को एक बार फिर से अंडरलाइन किया है रेखांकित किया है देखिए किस्सा शुरू होता है पूरा ये जो केस है ये 2002 में शुरू होता है आप सब जानते हैं कि उस समय गोधरा कांड और उसके बाद गुजरात में बहुत बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे और इन दंगों के दौरान एक महिला अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर शहर आती है जहां पर उसके साथ बलात्कार की घटना होती है और उसके परिवार के सदस्यों की वहां पर हत्या होती है वो केस दर्ज कराने की कोशिश करती है शुरुआत में उसे कामयाबी नहीं मिलती है लेकिन अल्टीमेटली वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पहुंचती है और वहां पर यह कैस तय होता है कि इस मामले में केस दर्ज होगा और सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करता है और सीबीआई जांच का आदेश होता है और फाइनली ये तय होता है कि इस मामले की सुनवाई जो है वो गुजरात में नहीं होगी महाराष्ट्र में होगी हालांकि ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है कि गुजरात की न्यायपालिका के बारे में या किसी भी राज्य की न्यायपालिका के बारे में सुप्रीम कोर्ट को आमतौर पर इस तरह का फैसला नहीं देना चाहिए लेकिन गवाहों की सुरक्षा और तमाम तरह से सुप्रीम कोर्ट को उस समय लगा कि गुजरात में न्याय शायद नहीं हो पाएगा तो यह न्याय शायद कहीं कि किसी और राज्य में होगा पास का राज्य क्योंकि तो महाराष्ट्र था महाराष्ट्र है इसलिए महाराष्ट्र में इस फैसले की सुनवाई हुई ये मामला लंबा आगे चलता रहा और इसके बाद फिर ये फैसला हुआ कि इस मामले में जो ग्यारह दोषी हैं उनका दोष सिद्ध हुआ प्रमाणित हुआ और उनको उम्र कैद की सजा दी गई उसमें साथ में कुछ पुलिस वाले थे कुछ सरकारी अधिकारी थे जिस पर कि इस मामले की अनदेखी करने और न्याय न पहुंचे न्याय न हो पाए इसके लिए उन्होंने कुछ किया था ऐसा कुछ आरोप था और सारे वो केस चले थे लेकिन लोअर कोर्ट में सबूत पर्याप्त न मानकर उनको उससे बरी कर दिया गया थे 11 लोगों को उम्र कैद और तो बाकी लोगों लोग उसमें बरी हो गए 11 लोग जेल में उसके बाद चले जाते हैं ये मामला फिर लंबा चलता रहता है मुंबई हाई कोर्ट पहुंचता है वहां पर वो फैसला बहाल रहता है जो लोग छोड़ दिए गए थे उन पर फिर से केस होता है और फिर से उस पर उनको सजा सुनाई जाती है तो वो एक पूरी प्रक्रिया चलती है इस बीच में एक इस मामले के जो आ, अपराधी हैं, क्योंकि फैसला हो चुका है तो अब अभियुक्त नहीं है क्रिमिनल हैं, अपराधी है। उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट से इस मामले में राहत की मांग की, मांग इसकी अपील आई वहां पर गुजरात कोर्ट ने इस मामले पर उनकी बात नहीं मानी तो कायदे से गुजरात हाई कोर्ट के बाद उनका अपील कोर्ट होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट लेकिन वो चले गए महाराष्ट्र कोर्ट मुंबई और मुंबई जाकर उन्होंने वहां पर इस मामले को जब वो उन्होंने उठाया तो वहां से भी उनको रिलीफ नहीं मिला वो आ गए वहां से सुप्रीम कोर्ट अब उन्होंने यहां पर नहीं बताया कि गुजरात में हमारे साथ क्या हुआ था वो महाराष्ट्र के रास्ते सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी उनको समझ में आया अपने ढंग से उन्होंने इस चीज को समझा क्योंकि तो तथ्य उनके पास सारे थे भी नहीं तो उन्होंने उस आदमी को रिलीफ दे दी और इस रिलीफ के आधार पर गुजरात की सरकार ने जो 11 लोग हैं उनको एक रिमिशन एक तरह से उनको राहत देते हुए उनको जेल से रिहा कर दिया ग्राउंड कई सारे लिए गए कि चौदह साल उनकी पूरी हो गई जेल में उनका व्यवहार अच्छा था वगैरह वगैरह करते हुए उन्होंने केस बनाकर छोड़ दिया उनको और उसके बाद फिर उनका किस तरह से बाहर स्वागत हुआ वो अपने आप में एक शर्मनाक अध्याय है उस पर तो और क्या ही बात करें तो यहां पर जब मामला आता है तो कई सारे ए और बिल्किस बानो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाती है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करता है कि नहीं इस मामले में आ, क्योंकि आ, वो गुजरात में क्राइम हुआ है इस वजह से गुजरात के हाई कोर्ट के में और गुजरात के हाई कोर्ट इसमें आ, इनका कोई उसमें गुजरात की सरकार का कोई इसमें से होगा ये सही नहीं है क्योंकि केस अल्टीमेटली महाराष्ट्र की कोर्ट में मुंबई में चला है तो जुडिस्डिक्शन और इस ग्राउंड पर आ, मोटे तौर पर आप अगर देखें तो उन इन लोगों को छोड़ा गया था जिसको कि उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता है आपको रिलीफ मांगनी है तो जेल में जाइए वहां से रिलीफ मांगिए और जेल आपको जाना पड़ेगा और फिर से जेल जाने का उनको आदेश सुप्रीम कोर्ट से जारी हो गया है जस्टिस नागरत्न का ये फैसला है और ये फैसला अब मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में अब इसकी कोई अपील होनी है तो फाइनली ये फैसला लागू होगा मुझे लगता है यहाँ पर दो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है एक तो कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को इस बारे में जानकारी ना होना कि गुजरात हाई कोर्ट में इस मामले की पर कार्रवाई हो चुकी है फिर ये सु, फिर सुप्रीम कोर्ट आने की जगह ये महाराष्ट्र गया है ये प्रक्रिया भारत में न्याय की पूरी प्रणाली को भी दोषपूर्ण बताता है क्योंकि ऐसा लगातार हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ हाईकोर्ट जजमेंट देता है एक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उस हाईकोर्ट की बात को सुने समझे बगैर दूसरा हाईकोर्ट जजमेंट दे दे रहा है तो ये एक जो वो भी ऐसे युग में जबकि सारा कुछ डिजिटल है सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है सारा ज्ञान उपलब्ध है ऐसे समय में एआई उपलब्ध है आर्टिफिशियल आट, इंटेलिजेंस से आप पता कर सकते हैं कि सिमिलर केस में कोई और जजमेंट हुआ है नहीं हुआ है ऐसे समय में इस तरह की गफलत कैसे हो रही है इस पर भी न्यायपालिका को विचार करना चाहिए क्योंकि भारतीय न्यायपालिका की साख ऐसे ही बहुत नीचे गिरी हुई है खासकर करके पेंडेंसी की वजह से करप्शन के आरोपों की वजह से भाई भतीजावाद की आरोपों के आरोपों की वजह से और कई सारे पक्षपात वगैरह के आरोप इस पर लगते रहे यहाँ तो जज जज के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप समझ सकते हैं कि भारतीय न्यायपालिका इस समय अपनी विशेषनीयता के कि किस गर्त में ऐसे समय में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की जानकारी के बगैर फैसला आ जाना अपने आप में बहुत ही चिंताजनक है और टेक्नोलॉजी के युग में ये अलाउड नहीं किया जा सकता है ये बहुत ही मतलब हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था वो नागरत्ना अब जजमेंट में वो जजमेंट खारिज हो चुका है लेकिन ये जजमेंट आना ही अपने आप में चिंताजनक है पहली बात दूसरी बात की देखिए न्याय एक ऐसी चीज है जो लोकतंत्र या समाज की बुनियाद है और अगर न्याय होना बहुत जरूरी है न्याय की उम्मीद उससे भी जरूरी है जस्टिस का जो एक होने की उम्मीद जो होप वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्किस बानो केस में अगर गुजरात सरकार का जजमेंट रिवेल हो जाता तो वो उम्मीद टूटती ये किसी भी लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है अच्छा नहीं है ये अपने आप में एक समस्या मूलक चीज है जो गुजरात सरकार ने बेशक चुनाव से पहले राजनीतिक फायदों वगैरह की वजह से उन्होंने किया और बेशक उनको राजनीतिक उसका फायदा मिला भी होगा उस फायदे को आप नाप नहीं सकते हैं कि उस फायदे वो कितना था लेकिन वो जजमेंट अपने आप में पॉलिटिकल जजमेंट था जो अनुचित था गलत था अल्टीमेटली साबित भी हुआ कि ये जजमेंट ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट साबित कर रहा है कि ये जो उनका उन्होंने जिस तरह से ये जजमेंट दिया वो जजमेंट ठीक नहीं था और ये एक मूल न्याय सिद्धांत है कि खास करके जो दबे कुचले या वंचित या माइनोरिटीज हैं क्योंकि लोकतंत्र बहुमत का शासन है बहुसंख्यक लोगों का शासन है तो जो बहुसंख्यक रहेगा अक्सर सरकारें उनकी बनेंगी या वो किसी परमिटेशन कॉम्बिनेशन में कई बार हिस्सेदारी कई बार बन जाती है लेकिन आमतौर पर, पर बहुमत या बहुसंख्यक विचार का ही बोलबाला रहेगा लोकतंत्र में इसकी इस लेकिन इसमें एक तो, ये जो ये जो यूटिलिटेरियन आइडिया है ये जो बहुसंख्यक है इसमें अपने अपने समस्याएं भी हैं क्योंकि आप इसमें कई बार न्याय की अनदेखी कर देते हैं कोई ये कह सकता है कि भारत में ज्यादातर लोग सांवले हैं इसलिए जो गोरा आदमी है उसको एक्स वाई जेड ये अधिकार नहीं होने चाहिए अगर ये दे देंगे तो हो सकता है कि क्योंकि ज्यादातर लोग सांवले हैं तो वो जजमेंट हो जाएगा या वो न्याय ऐसा कोई कानून भी पास हो जाए ये हो सकता है कि इस धर्म के लोग ज्यादा हैं तो वो ये कर सकते हैं कि दूसरे धर्म के कोई पूजा स्थल खोले ही नहीं जा सकते हैं बहुसंख्यक लोग कई बार गलत भी कर सकते हैं और इसमें ऐसे मौकों पर वो एक चेक एंड बैलेंस का जो सिद्धांत है भारतीय लोकतंत्र का वो बहुत जरूरी है कि वो जो फैसला हो रहा है राजकाज की तरफ से या न्यायपालिका की तरफ से उसको चेक एंड बैलेंस कहीं पर होना चाहिए वो चेक एंड बैलेंस इस बार दिखा है कि सरकार एक फैसला कर रही है और कोर्ट उस पर उसको स्टक डाउन कर रही है और मुझे नहीं लगता है कि जनभावनाओं का की, की जो स्थिति है एक महिला जज ने ये फैसला दिया ये भी बहुत महत्वपूर्ण है उस वो जो जज है वो जस्टिस भूया और जस्टिस नागरत्ना की जजमेंट में आ, की बेंच है लेकिन फाइनली जजमेंट नागरत्ना जस्टिस नागरत्ना ने लिखा ये बहुत महत्वपूर्ण है महिला अधिकारों के लिए भी इसका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज एक मुस्लिम महिला है कल को किसी और धर्म की महिला हो, हो सकती है किसी और जाति की महिला हो सकती है कोई भी हो सकता है एलिट महिला हो सकती है या गरीब महिला हो सकती है तो एक कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर खूंटों के अंदर में लोकतंत्र को चलना चाहिए ये न्याय उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण खूंटा है बहुत महत्वपूर्ण कोऑर्डिनेट है उस कोऑर्डिनेट के बाहर कोई चीज जब होती है तो पूरी लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर पड़ती है इसलिए इस फैसले का तौर पर मुझे लगता है स्वागत हो रहा है जो स्वागत नहीं भी कर रहे हैं वो दिल खोलकर स्वागत करें इससे कोई सरकार बन बिगड़ नहीं रही है किसी पार्टी का कोई हित नहीं हो रहा है कुल मिलाकर भारतीय लोकतंत्र इसमें मजबूत हो रहा है इसी तरह से इस फैसले को देखा जाना चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद साथियों अगर आपको द बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकर वादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यू के जरिए भी मदद कर सकते हैं आप हमारी यू पी आई आई न्यूज बीक एट द रेट यस बैंक आरोप भी मदद भेज सकते हैं इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन अकाउंट नंबर है जीरो टू कोड है ये टू थ्री फाइव बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजेक्शन का स्क्रीन हमें भेजे टाइप करे डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें एट फाइव नाइन फाइव सेवन नाइन फोर टू टू फोर आरोप करें